Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केस से। 211 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 80 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 1766। दो नए डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। जैसे कि हम रेगुलर बता रहे हैं बसव कल्याण बाय इलेक्शंस के बारे में, जहां पर कुमार स्वामी का एक बड़ा बयान आते हुए माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट में कहा कि अगर वो माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट को वोट बांटने के लिए अगर रख रहे हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे पनिश किया जाए। टू एलेक्ट या माइनॉरिटी कैंडिडेट इन बसव कल्याण नॉट टू सपोर्ट बीजेपी यस्टरडे इन फ्रंट ऑफ दैट दरगाह I openly prayed Allah and I told anything I have done a mischief by selecting this Qadri Saab to support internally to BJP, leave it to Allah. Whatever shikshan and kodlike a bhagavanta tirmana martane, I will. Iljam laga ja raha hai ki tum unke saath adjustment kare, adjustment ho jao ya paise ka ho jao. अगर कुछ मैं इसके सिलसिले में करे तो अल्लाह मियां मेरे को बर्बाद करना बोल के बोले सर्वनाश करोगा सर्वनाश इन फ्रंट ऑफ गॉड आई टोल्ड। बसों के लिए बाय इलेक्शंस के लिए हम एक्सक्लूसिव कवरेज दे रहे हैं, जहां पर हमारा एक प्रोमो रेडी हुआ जहां पर आपको कुछ ही मिनटों में बसों के लिए इलेक्शंस की पूरी हलचल मिल सकती है और एग्जैक्टली ये मामला क्या है, आइए नजर डालते हैं हमारे इस बसों कल्याण बाय इलेक्शंस के प्रोमो जिसका नाम है बैटल बसों कल्याण। 12वीं सदी का अनुभव मंडप यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्लियामेंट मानने वाली जगह यहीं पर है और आज यहीं पर हो रहा है पॉलिटिकल ड्रामा। बसों कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी अब बन चुका है पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज मेहनत कर रहे हैं आने वाले बाय इलेक्शंस पर। अनटाइमली निधन होने के बाद नारायण राव जो कि कांग्रेस कैंडिडेट थे, ये बाय इलेक्शन शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने नारायण राव के वाइफ माला जी को टिकट दी। नारायण राव ने 24 घंटे आवाम के साथ काम किया, देहांत उनको हार्ट अटैक आके नेचुरल डेथ से ध्यान दिया, उनको कोविड आके कोरोना आके उनका ध्यान दिया। वजह क्या, ये आवाम के बीच में थे, ये कोविड के अंदर आवाम के बीच में रहकर खिदमत किए। दो बार रह चुके MLA मल्लिकार्जुन खुबा अब रहेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। JDA से जीत के बाद उन्होंने BJP में शमूलियत हासिल की, लेकिन BJP पार्टी ने ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स को टिकट नहीं दी और सलगार को मिला टिकट, जिसकी नाराजगी की वजह से मल्लिकार्जुन खुबा हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 16 को 16 लोगों को छोड़ दिए, सभी लोग मिलके दिल्ली गए थे टिकट मांगने के लिए, मैं अकेला मैसूर में था। जब मैंने TV में देखा कुमार स्वामी जी का न्यूज, जो जनता दल के प्रेसिडेंट हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट डील हो गया बहुत बड़ा पैमाने पे, मैं TV में देखने के बाद मेरे को बड़ा दुख हुआ। वहीं पर सलगार की अगर बात करें तो BJP की कैंडिडेट वो हैं और सभी पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच कोई ऐसा मामला नहीं है और BJP का मानना यह है कि वो जीतेंगे भारी भरकम लीड से। No question of a chance. Okay, sir. The people have decided to vote for the BJP, for the Shravan Salgar. Okay. Definitely we will win with a huge margin. And he is contesting independently. Mm. Definitely he will pay for the price for the independent fielding. वहीं पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी ने माइनॉरिटीज का हाथ पकड़ते हुए कहा कि वो माइनॉरिटीज के साथ हैं और टिकट मिली JDS की माइनॉरिटी को और सैयद यसराब खादरी हैं JDS के कैंडिडेट। द एलिगेशन मेड बाय कांग्रेस फ्रीक्वेंटली, फॉर दैट वी हैव टू सेंड ए प्रॉपर रिप्लाई, फॉर दैट रीजन ओनली वी हैव सेलेक्टेड इन दिस इलेक्शन फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। By selecting our Qadri Saab, we will going to give a befitting reply to the allegation, false allegations made by Congress people.
उसके अलावा अगर आप बात करें तो हाल ही में आए हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर अपने MIM टिकट पर बताया कि बाबा चौधरी रहेंगे MIM का चेहरा और उनके लिए उन्होंने जमकर कैंपेनिंग भी की। गैर जिम्मेदार लोग जो हैं, जिसको किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई किसी की तकलीफ को कोई एहसास नहीं रहता, वो लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम और डिवाइड हो रहे हैं बल्कि, लेकिन अल्लाह का एहसान है पूरे मुस्लिम दलित और दूसरे अदर कास्ट के लोग पूरे वंसेड होकर MIM का काम कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के स्टालवार BZ जमीर खान, साथ ही साथ सिद्धरमैया और DK शिव कुमार सभी हैं बसो कल्याण पर। क्या होगा बसो कल्याण में, गोहाश की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हमारी टीम वहां पर मौजूद है और हमने एक नई सीरीज बनाई है, बैटल बसो कल्याण। गोहाश में आप एक्सक्लूसिव देखेंगे बसो कल्याण बाय इलेक्शंस के सभी कवरेजेस। बने रहिए बसो कल्याण में हमारे साथ, गोहाश बसो कल्याण पर। चंदू पाटिल सीनियर BJP लीडर ने आज ट्वीट किया कि बहुत ही अवेटिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा था, आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सैंक्शन हो चुका है। फिरोजाबाद के होना करनी जगह पर, यानी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बजट को अप्रूव कर दिया है। सोलार पार्क यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह से आप इमेजेस में देख रहे हैं, चंदू पाटिल यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ KRIDL के साथ साथ सोलार पार्क के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। बेटियाँ घर की खुशियाँ होती हैं, बेटियों की रहने की वजह से चेहरा मुस्कुरा उठता है और इतिहास गवाह है कि बेटियों को बाप ने ज़्यादा प्यार किया है। क्या बेटी की जान बचाने के लिए माँ बाप मजबूर हो सकते हैं? जी हाँ, खुशियाँ तो एक तरफ हैं लेकिन यहाँ पर जान बचाने की बात आ रही है। हम बात कर रहे हैं माहिरा फातिमा की, जो उम्र बच्चों को अपने घर में या आंगन में खेलने की होती है, वहीं पर ये लड़की अपना वक्त ICU में गुजार रही है क्योंकि इसको ब्लड डिसऑर्डर यानी कि थैलेसीमिया मेजर है, जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है और बड़ा मुश्किल भी। लेकिन अच्छी बात इसमें से ये है कि इसकी बड़ी बहन के साथ बोन मैरो मैच हो चुका है, जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इंडो अमेरिकन हैदराबाद के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसका खर्च आ रहा है करीब 12 लाख, जो ये फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। निज़ाम साहब और उनकी मिसेस समीना बेगम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको आप हेल्प करें। केटो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ऑलरेडी फंड रेज कर रहा है। केटो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये प्रोफाइल 100% जेन्युइन है और हमने पर्सनली लोगों से बात भी की है। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और बच्चे की तकलीफ भी आप महसूस कर सकते हैं। एक कदम आगे बढ़िए और इस लड़की की मदद करिए और माँ बाप को अपनी बच्चियों की खुशियाँ वापस लाने में आप मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल बैंक डिटेल्स और फोन पे गूगल पे नंबर्स भी हमने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, तो ज्यादा देर ना करें, आगे बढ़ें और मदद करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे डिटेल्स दिए गए हैं, क्लिक करें और डोनेट करें। क्या पता आपके एक डोनेशन से माहिरा फातिमा की मुस्कान वापस आ सके। अपने घर वालों को आप दो चीज जरूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूबल एसेट। जब बात वैल्यूबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूबल एसेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? करीब लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में, शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट NA और CUDA अप्रूव्ड है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा क्योंकि महंगाई के जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफी अच्छी चीज है और इसीलिए रीगल एनक्लेव, जिसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके एमिनिटीज क्या क्या है। RCC ओपन ड्रेन, UGD वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसे एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंकवेट तक, AN बैंकवेट के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA CUDA अप्रूव। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें।
और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।